हेलो गाइस, अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? सो गाइस, मैं हूँ सर्वेद जोशी, एके वाइड वाइड। फाइनली शेयर का 9th एपिसोड यहाँ पे आ चुका है और एक साथ ये सीजन यहीं पे ही खत्म होता है। और सच कहूँ तो स्टार्ट में मैंने ये शो एंजॉय करना चालू किया था क्योंकि मुझे लगा था ये सेम एज कॉमिक होगा, लेकिन भाई शो की क्वालिटी ऐसी गिरती ही जा रही थी। तो शो में होता है कि जेनिफर लॉरेंस जो कि एक लॉयर है और हमारे ब्रूस भैया की कज़िन है, वो दोनों कार में कहीं पे जा रहे थे। वहाँ पे उसका कार एक्सीडेंट में जेनिफर को हल्की पावर मिल जाती है और वो भाई नियरली परफेक्ट हल्क बनती है। जो ब्रूस भैया हमारे इतने सालों में करने की कोशिश कर रहे थे वो एक झटके में बन जाते हैं। लेकिन उसको वो पावर अपनी चाहिए नहीं क्योंकि उसको अपना करियर परस्यू करना है जो कि एक लॉयर है। लेकिन भाई वो लॉयर भी अच्छी नहीं है। एक एपिसोड में जहाँ पे उसको एक कोर्ट से बाहर एक समझौते से एक केस सॉल्व करना आता है, वो वहीं पे जाके झगड़ा करते हैं। जैन हमें बता देती है कि देखो भाई, इस शो से तुम गलत उम्मीदें लगा के मत बैठना, ये मेरा शो है, इसमें हर हफ्ते किसी का नया कैमियो नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम शो के इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल मोमेंट्स को याद करो तो वो कैमियो ही याद आ जाते। और भाई ये टिटियाना का क्या मैटर है जिसको बस सजावट के लिए लगा रखा है? ना ही शो में उसके बारे में हमें पूरी डिटेल्स दी जाती है और ना ही वो शो के मेन विलन है, बस उसे सजावट के लिए लगा रहे। और भाई शो के जजेस, अगर किसी जज ने ये तुम्हारा शो देख लिया ना तो उल्टा तुम पे केस ठोकेगा कि ये क्या बनाया करके। और भाई शो के सीजीआई की बात ही नहीं करते। शो का मेन कैरेक्टर आधे से ज़्यादा टाइम सीजीआई में रहता है और वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। लेकिन भाई लास्ट का एपिसोड ये है कि जब जेन की नींद खुलती है तब तो वो एक DODC के जेल में होती है जहाँ पे उसको कुछ सरकमटेंसेस के अंडर जेल से आज़ादी मिल जाती है। लेकिन उन सरकमटेंसेस की वजह से वो ना ही हल्क बन सकती है, ना ही उसके पास जॉब है, ना ही उसके पास रहने को घर है। इसलिए वो मजबूरन अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो इंटेलिजेंस को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो ब्लॉन्स्की के पास जाती है कि लास्ट टाइम उसको सुकून उसी के यहाँ मिला था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसको पता चलता है कि भाई इंटेलिजेंसिया की मीटिंग तो यहीं पे चल रही है। और वहाँ पे जो अखंड कांड होने चालू होते हैं, सभी बैड गाइज एक साथ आते हैं, हल्क भी वहाँ आता है और जेन को एंडिंग पसंद नहीं आती, इसलिए फिर से अपने स्टाइल में फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और शो के मेकर्स के पास जाती है और उनसे पूछती है ये क्या बॉस सिर बना दिए हो? फिर मेकर्स उसको बताती कि ये हम नहीं, ये सब केविन कंट्रोल करता है और वो मार्वल स्टूडियोज में केविन से मिलने जाती है। फन फैक्ट, हमें लगता था कि ये एपिसोड शी हल्क और इंटेलिजेंसी के बीच में है, लेकिन भाई नहीं, ये एपिसोड शी हल्क और KEVIN के बीच में है जहाँ पे KEVIN एक AI है जो कि एक नियरली परफेक्ट शोज बनाता है। और बहस होती है लेकिन शी हल्क अपने मेसी क्लाइमैक्स को क्लियर कर ही देती है और बैनर को हटा देती है जहाँ पे हमें उसके मूवी का कंफर्मेशन मिल जाता है। अबोमिनेशन को भी एक परफेक्ट डिज्नी एंडिंग देती है जहाँ को उसका अपनी गलती का एहसास हो जाता है और डेयर डेविल को भी वापस लिया जाता है और एक्समैन के बारे में राज पूछे जाते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। टू दी शो में भी पुलिस टाइम पे आ जाती है, सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और जेन को भी खुद को प्रूव करने के लिए एक केस मिल ही जाता है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है। जेन अपने फैमिली के साथ लंच कर रही थी, वहाँ पे डेयर डेविल भी होता है और वहाँ पे हल्क भी अपने बेटे के साथ आ जाता है जिसका कंफर्मेशन हमें उसके मूवी में मिलेगा। और बस यही है एंडिंग। शो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा तो नहीं लेकिन हमने अच्छा खासा टाइम हमारा वेस्ट कर दिया है क्योंकि शो हमें शी हल्क के बारे में कम और आने वाले अनाउंसमेंट्स और टीज करने के लिए ज़्यादा बनाया ऐसा लगता है। ये बेसिकली फिलर शो लगता है। मुझे शी हल्क के कॉमिक्स पढ़ना मज़ेदार इसलिए लगता है क्योंकि वो एक्शन सिक्वेंस के बारे में नहीं, क्योंकि वो मज़ेदार है, कॉन्फिडेंट है, वाइब्रेंट है इसलिए। और हम ये शो भी उसी तरह का हो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हमने जो सोचा है वही सभी चीज़ें हमें ज़िंदगी में नहीं मिलती। अगर मिल जाती तो मैं YouTube के बकचोदी नहीं कर रहा होता। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसी दर्जेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन STV। जय हिंद, जय।